So, hello friends, today we will discuss about the electrophilic addition reactions of dienes. ठीक है, dienes आपके तीन टाइप की हो सकती है. फर्स्टली आपको ये समझना है और ये दो reactions है इनके वीडियो बनाने की आप कोशिश करिए. सबसे पहले तो आपकी cumulative, दूसरा आपका isolated, तीसरा आपका conjugated. क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि भाई इकट्ठे ही डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है. ये आपकी आइसोलेटेड में ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ठीक है. मतलब बीच में दो सिंगल बॉन्ड जरूर आ जाएंगे, तीन भी आ जाए तो भी चलेगा, दो आ जाए तो भी चलेगा. कॉन्जुगेटेड में एक डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड अल्टरनेट, ठीक है. तो इनमें इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, उसका आप डिस्कशन. तो इलेक्ट्रोफाइल में से क्या होगा, एच या एक्स में से, ठीक है, एच होगा और एक्स नेगेटिव होगा और इलेक्ट्रोफाइल ये बनेगा एच पॉजिटिव, पहले ये ऐड होगा. अभी एच एस एक्सेस में है तो इन दोनों जगह आपका आराम से ऐड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. तो आपका जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनना है मेन, ये बनना सी एच टू थ्री सी एक्स बॉन्ड सी एच थ्री और ये सी एच टू सी एच एक्स बॉन्ड. अब जबकि आपका ये एक मोल है और उसके पास दो साइड्स है, ठीक है ना, तो जो मेजर प्रोडक्ट बनना है वो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होगा, तो इसमें ये बनेगा. ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा और इधर जो है आपका माइनर बनेगा, ठीक है. तो अब जो है इसके बाद ये तो आप समझ गए होंगे कि भाई आइसोलेटेड डाइन्स में आप किस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेंगे. अब कॉन्जुगेटेड डाइन्स का हम डिस्कशन करेंगे. कॉन्जुगेटेड डाइन्स में जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की ओर डिस्कशन करेंगे. तो जैसे हमने ये प्रोडक्ट लिया आपका ब्यूटा 1,3 डाइकी, तो इसमें हमने ब्रोमीन का एडिशन करा, इसके बाद हम एचबीआर का भी एडिशन करेंगे, ठीक है, और उनका मैकेनिज्म वगैरह देखेंगे. ब्रोमीन के एडिशन में आपको साफ साफ दिखाई देगा, तो इसमें 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है एक, और एक 1,4 एडिशन प्रोडक्ट. तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, मतलब बिल्कुल एक सरप्राइजिंग सी चीज है. और यदि आपने 15 डिग्री सेल्सियस रखा टेम्परेचर, तो जो है 60% 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बना और 1,4 एडिशन 40% बना. और 60 डिग्री सेल्सियस पर आपने यदि रिएक्शन कराई तो आपका 10% 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बना और 1,4 एडिशन 90% प्रोडक्ट. इसको हम लोग आगे चलकर काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट कहा कहेंगे और 1,4 एडिशन को हम लोग आगे चलकर थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है. इनके नाम भी हम लोग रख दिए हैं क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स इस प्रोडक्ट को फेवर करती है और थर्मोडायनेमिक्स इसको प्रोडक्ट को फेवर करती है. मोर स्टेबल होता है, जल्दी बन जाता है. तो कौन सी कंडीशन में कौन सा बन रहा है, क्यों बन रहा है, ये हमारे को डिस्कस करना. ब्रोमीन यहाँ पर लिमिटेड क्वांटिटी में, यदि एक्सेस में होगी तो फिर तो पूरे पे कर ही देगी, ठीक है, ठीक है, सभी पे ब्रोमीन लगा देगी. तो यहाँ लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो ये इस तरीके से आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो आपका यदि आप HBr का एडिशन करते हैं तो ब्यूटाडाइन में 1,3 में इस तरीके की रिएक्शन होती है, ठीक है. 1,2 प्रोडक्ट बनता है, 1,4 प्रोडक्ट बनता है और इसमें आपको हाइड्रोजन मैंने अलग से करके दिखा दिए हैं, ठीक है. वो उसके साथ होंगे तो फिर वो सेम टू सेम लगेगा और -40 डिग्री सेल्सियस पर इसकी 1,2 एडिशन होता है,
80% होती है 1/4 एडिशन की, 20% होती है HBR का एक लिमिटेड क्वांटिटी में, यानी आप मान के चलिए एक मोल है, ठीक है, और 80 डिग्री सेल्सियस पर इसकी परसेंटेज हीट 15% होती है और इसकी 1/4 प्रोडक्ट की 85% होती है। तो टेम्परेचर चेंज करने के अकॉर्डिंग ये आपके प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका जेई मेंस में पूछा जा चुका है एक बार, ठीक है, तो उसके पीछे का क्या रीजन है वो हमें डिस्कस करना है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये सब हम आगे डिस्कस इसकी मैकेनिज्म करेंगे। पहले यहाँ पे खुद मैकेनिज्म बनाने की कोशिश कीजिए, HBR के साथ दोनों प्रोडक्ट्स कैसे बन रहे हैं, फिर जो है देखिएगा सॉल्यूशन। तो इसकी जो मैकेनिज्म है आपका एच पॉजिटिव इसके पास आया, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट हो गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया CH2H पॉजिटिव बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यहां पर रेजोनेंस की कंडीशन आप देख ही रहे हैं सारी, ये आपका रेजोनेंस हो गई और ये डबल बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो ये आपके दो आपके बन जाते हैं और ये जो है 2° Li है, ये आपका 1° Li है कार्बोकैटायन, तो ये आपका मोर स्टेबल है, ये आपका लेस स्टेबल है। तो इससे आपका जो है इसमें एडिशन होता है Br नेगेटिव का, तो ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, जिसको आप 1-2 addition बोलते हैं, और इसमें भी आपका Br नेगेटिव का एडिशन होता है, ठीक है, ये आपका 1-4 addition है। ये लो टेम्परेचर पर प्री डोमिनेट करता है और वो हाई टेम्परेचर पर, ये आपका हाई टेम्परेचर पर डोमिनेट करता है। तो इसको आप काइनेटिक प्रोडक्ट बोल देते हैं, ठीक है ना, दोनों ही एक ही इंटरमीडिएट से बनते हैं, ठीक है ना। तो और ये आपका थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है ये आपका प्रीडोमिनेट करा, तो आपका वो हाई टेम्परेचर कंडीशन में करता है, काइनेटिक प्रोडक्ट लो टेम्परेचर कंडीशन में करता है। तो जो नॉर्मली रिवर्सिबल होती है रिएक्शन, उसमें आपका ये रिवर्स ये डोमिनेट कर जाता है, और ये रिवर्सिबल में ये डोमिनेट करता है, इसकी एनर्जी जो होती है वो कम होती है, इसकी एनर्जी। सो इसको जो ये 1-4 addition प्रोडक्ट और 1-2 addition प्रोडक्ट बनते हैं, इनको समझने के लिए ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपकी ब्यूटा 1,3-diene हो गई, इसका आपने HBR से रिएक्शन कराई, तो पहले H पॉजिटिव ने इस पर अटैक करा और कार्बोकैटायन बनाया मोर स्टेबल, और ये 1° बना दिया जी लेस स्टेबल कार्बोकैटायन। उसके बाद जो है आपका इस पाथ को जाने के लिए उसे कम एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। तो लो टेम्परेचर पर ये आपका डोमिनेट
कर जाता है, और लेकिन ये रिवर्सिबल होता है, और ये जो होता है मोर स्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है ठीक है, ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है, ये लेस स्टेबल कार्बोकेटायन है, ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट है, ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें आपकी एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये जो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ये आपका यदि टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो इसको रिवर्सिबल पाथ से यहां तक ले आती है और फिर आगे रिएक्शन को करा देती है। तो इसलिए हाई टेम्परेचर पर ये डोमिनेट करता है, लो टेम्परेचर पे ये डोमिनेट करता है। तो ये आप इस ग्राफ से बड़े अच्छे से समझ गए होंगे।